भाई ये जो लाइटें चल रही है ना, तब डीजे की तरह ये बंद करते हैं पहले, ये बगल में भी बंद करते हैं, इधर की लाइटें भी बंद करते हैं। ये ज्योतिष का प्रोग्राम है। और दूसरी चीज है, खाने पीने वाले भी साइड पर हो गया, सब बंद करते हैं। खाने पीने वाले जितने भी एक ट्रॉली लेके घूम रहे हैं सब बंद हो जाए, और जितने भी ज्योतिषी खा रहे हैं उनसे भी मेरा निवेदन है वो भी बंद हो जाए। क्यों? हमारे शास्त्रों की ये अवज्ञा है। शास्त्र ये नहीं कहता कि कोई भी विद्वान आदमी अगर प्रवचन चल रहा हो और आप खाते रहे, खड़े होकर या पीते रहे, ये भी निषेध है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा है कि खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए। इसलिए आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जब ज्ञान की बातें हो, क्योंकि आप विद्वान हैं, आप विद्वान श्रेष्ठ हैं, आपको दुनिया पूछती है, आपके पैर छूती है, आपके अंदर संस्कार होने ही चाहिए। क्योंकि जब विद्वान यहां बोल रहे होते हैं तो उनकी बातों को सुनना आपका फर्ज बनता है, और जो अच्छा श्रोता हो सकता है वो फिर अच्छा वक्ता भी हो सकता है। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर कोई चीज सेव हो रही हो और उस समय हॉर्नों की आवाज आ रही हो या उस समय पैपे पैपे हो रही हो, तो आपकी डिस्टरबेंस भी साथ में सेव होती है ब्रेन के अंदर। ये भी जान कर लो। मेरे बगल में जब बात के लिए आप भी थोड़ी देर के लिए बैठ जाए, क्योंकि संत की एक बात और ज्ञानी की एक बात जिंदगी पलट सकती है, आपके जीवन को पलट सकती है। इसलिए आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत मैं एक वेद गीत के साथ शुरू करूंगा। वेद मंत्र है ओम ब्राह्मणे ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम राष्ट्रे राजन सूरः सभ्यो अति व्याधि मारको जायताम दोगली धेनु दोड़ा और मानवासु सत्तुल पुरंदर योसा विष्णु अथेष्टा सवैयो युवायश्च वीरो जायताम निकामे निकामे न परजने वस्तु बलवत्तो न औषधा पच्यंताम योग क्षेम न कल्पताम। आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत में वेद मंत्र यजुर्वेद अध्याय 22 वेद के जो सूत्र हैं, जो मंत्र हैं, उस 22 में मंत्र से मैंने की। वो इसलिए की कि आज का ये प्रोग्राम राजीव जी का प्रोग्राम बहुत अच्छा, उसके लिए बहुत बहुत बधाई के बात है। प्रोग्राम की व्यवस्था जो होती है ना, वो आप लोगों के हाथ में ही होती है। जब आप खाते रहेंगे, मुझे अरुणा जी ने कहा था मैं आगे आ जाऊं थोड़ा, वैसे तो खड़े होना बड़ा मुश्किल होता है। किसी भी प्रोग्राम की सफलता इस बात पर डिपेंड करती है, जब आप खाते हैं उस समय आपके पांचों प्राण एक्टिव होते हैं। जब पांचों प्राण एक्टिव हो जाएंगे, वो खाने को पचाने पर एक्टिव होंगे, तो उस समय आपकी जो मेमोरी है ना वो सेव नहीं हो सकती। आप दिमाग में किसी चीज को संचित नहीं कर सकते। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा है कि खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए, इसलिए मौन अवस्था में बोलना चाहिए। ये ध्यान रखें, आगे से कहीं पर भी आप जाएं, ये हमारा एक संस्कार होता है। और आप लोग तो सब विद्वान हैं, और विद्वानों को विद्वान श्रेष्ठता का उदाहरण देना नहीं चाहिए। मित्रों, आज मेरे पास दो ऑप्शन है। एक तो मैं वास्तु शास्त्र के ऊपर बोलूं और एक में ज्योतिष के ऊपर बोलूं। अब जिसमें आपकी इच्छा हो, मैं कल एक में ऐसे ज्योतिष सम्मेलन में गया था, वो शायद नॉर्थ इंडिया का सबसे अच्छा सम्मेलन मैं उसको कह सकता हूँ, वो फ्री था वैसे तो, लेकिन वहां टॉप के लोग आए हुए थे, बड़े विद्वान थे। मैंने वहां भी यही कहा था, मैंने बताइए किस विषय में बोलूं, तो उन्होंने कहा ज्योतिष पर। आपकी अगर कोई इच्छा है तो आप बता सकते हैं कि वास्तु पे बोला जाए, वास्तु के रहस्यों की जानकारी दी जाए, या ज्योतिष में बारीक सूत्रों की जानकारी दी जाए। वास्तु के ऊपर ठीक है। वास्तु है क्या? अगर आपको ये चीज समझ में आ गई
कि वास्तु भगवान ने क्यों बनाया। जैसे मोदी जी की मिनिस्ट्री है ना डेमोक्रेसी के अंदर, उनका होम मिनिस्टर भी है, उनका डेवलपमेंट मिनिस्टर भी है, एचआरडी मिनिस्टर, ऐसे ही भगवान के यहां पर अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के जो देवता हैं वो है वास्तु देवता। वास्तु देवता ने 84 लाख योनियों के लिए रहने के लिए उनके घर की व्यवस्था की है। ध्यान से सुनना, 84 लाख योनियां एक मच्छर से लेके, मधुमक्खी से लेके, ततैया से लेकर के, शेर की मांस से लेकर के, चूहे के बिल से लेकर के और मनुष्य की कोठी तक सबको वास्तु दिया है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि इसके दिमाग की जो चिप है ना वो अलग अलग करती, बाकी सबकी चिप एक जैसी करती। अब 84 लाख योनियों में जितने भी कबूतर है उनके दिमाग में सबके अंदर एक जैसा वास्तु बैठा दिया। यानी कबूतर अमेरिका का हो चाहे जापान का हो, वो कोई मॉडर्न नहीं है, वो भी हमारे इंडिया जैसा ही है। उसको भी खंडरों पर बैठना होता है, वहां भी एसियों पर बैठता है। चूहा जापान का हो चाहे लंदन फ्रांस का हो, और चूहा चाहे यहां का हो, वो चूहा फिर ऐसे ही बनाएगा पूरे वर्ल्ड में, और चाहे वो गल्फ कंट्री का हो। लेकिन मनुष्य का जो चिप है ना वो डिस्टर्ब है कि इसने नॉर्थ बनाया तो मैं ईस्ट बनाऊंगा, इसने 2 मंदिर बनाया तो मैं 3 मंदिर बनाऊंगा, इसने पश्चिम का बनाया, इसने ये कलर किया तो मैं ये कलर करूंगा, और मनुष्य दुखी होता है। मधुमक्खी का छत्ता कितना शानदार होता है, उसका वास्तु कभी आपने देखा कि मधुमक्खी बच्चों को अंडों को रखने के लिए कैसी जगह बनाती है, और शहद रखने की जगह कहां होती है, और खुद का उसका लेबर रूम कहां होता है, और कितनी भी आंधी हो जाए, कितनी भी तूफान आ जाए, कितनी भी गर्मी आ जाए, लेकिन वो अपने घर में सुरक्षित होती है। इसका मतलब वास्तु देवता ने उनको एक कला दी। आप देखिए बाया नाम की चिड़िया कितना शानदार घोंसला बनाती है, उसको किसने ट्रेनिंग दी, कौन सा आर्किटेक्ट ट्रेनिंग देता था उसको, कोई नहीं। तो हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारे शरीर की जो रचना है वो 5 तत्वों से होती है। इस शरीर के अंदर 4 तत्व हैं, 5वां तत्व आकाश है, आकाश के अंदर हम रहते हैं, अंतरिक्ष के अंदर हम रहते हैं, 4 तत्व शरीर के अंदर हैं। 4 तत्वों में से कोई भी एक तत्व अनबैलेंस होगा तो शरीर के अंदर व्याधि आनी शुरू हो जाएगी, बीमारी आनी शुरू हो जाएगी। अगर आपका वायु तत्व डिस्टर्ब हो गया तो आपके शरीर के अंदर वायु विकार आने शुरू हो जाएंगे। आप ऐसी जगह पर रहकर के देखिए जहां पर वायु तत्व की प्रधानता हो तो आपके घुटनों में दर्द आना शुरू हो जाएगा। भाई ये बंद कर दीजिए, मैंने मना किया ना आपको, बंद करो इसको, प्रोग्राम को खराब मत करिए आप लोग, किसी को देना बंद कर दीजिए, बंद करो सर। अगर आपके शरीर के अंदर वायु तत्व डिस्टर्ब हो गया, आपके घर में वायु तत्व डिस्टर्ब हो गया तो शरीर का वायु तत्व डैमेज हो जाएगा। आप जितने मर्जी महावास्तु शास्त्री घूमते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके शरीर के अंदर अग्नि तत्व बढ़ गया तो आपके पित्त विकार बढ़ जाएंगे, आपके शरीर के अंदर हार्ट की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। आपके अंदर जल तत्व बढ़ गया तो आपका शरीर मोटा होता चला जाएगा, फैलता चला जाएगा। और अगर पृथ्वी तत्व बढ़ गया तो अभी ये शरीर डैमेज होना शुरू हो जाएगा। तो हम वास्तु वाले क्या करते हैं कि शरीर को सुरक्षित रखने के लिए ऐसी संरचना करते हैं मकान की कि मकान के अंदर वायु तत्व बराबर हो, जल तत्व बराबर हो,
अग्नि तत्व बराबर हो, उसके अंदर एयर एलिमेंट यानी अंतरिक्ष तत्व बराबर आता हो, धूप रोशनी बराबर आती हो, और मिट्टी वो तत्व भी परफेक्ट होना चाहिए। अगर आपका पृथ्वी का तत्व खराब हो गया तो आप ठीक नहीं रह सकते। अगर आपकी इस जमीन के नीचे अगर यहां कब्रिस्तान था तो यहां जितना मर्जी बढ़िया बिल्डिंग बना लो, जितना बढ़िया मर्जी मार्बल लगा लो, आप हमेशा दुखी रहेंगे। जीवन के अंदर आपको भूत प्रेत दिखाई देते रहेंगे और आपको ऐसी बीमारियां आनी शुरू हो जाएंगी कि आपके लंग्स खराब होने शुरू हो जाएंगे, आपकी बॉडी खराब होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन हम लोग ऋषियों की गहराई में नहीं जा पाते जो हमें ऋषियों ने गहराई दी है। अभी देखिए, मैं ये सोच रहा था कि यहां डिस्टर्बेंस क्यों है, क्योंकि आदमी इधर उधर बातों में लगे हुए, फोटो खिंचाने पर लगे हुए, वक्त अपना ज्ञान दे रहे हैं। तो मैंने कंपास लगा के देखा, फेस तो नॉर्थ है और जहां वक्ता यहां से मंच से स्पीच दे रहे हैं उसके ईस्ट में टॉयलेट है। मैंने कहा अच्छा, ये कारण है, इसमें डिस्टर्बेंस है, क्योंकि यहां कोई किसी की सुनी नहीं रहा, सब बाहर फोटो खिंचवाने पर लगे हुए। वक्ता अपने अनुभव शेयर करता है। हमारे पास जो अनुभव है 30-35 साल का, जो उनको हम शेयर करते हैं। कल मैं एक वास्तु विजिट में गया था सुबह, उन लोगों का एक स्कूल था और एक घर था। घर पे जब मैं गया तो वो जो महिला थी उनका पति डॉक्टर था, तो बोले गुरु जी आप इस घर की हिस्ट्री बता दो, आपका तो नाम बड़ा सुना है मैंने, आप बहुत बड़े वास्तु वाले। उस घर के ईस्ट में कब्रिस्तान था, बदबोर की जमीन, मुर्दे गड़े हुए थे सारे, एक एक घर के भीतर, और वो दीवार ईस्ट उनकी बंद थी। वहां पर वो टी पॉइंट में मकान आ रहा था, साथ में साउथ फेस का मकान था। मैंने कहा आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है? बोला हाँ जी। मैं कहा आपके परिवार में आपकी मम्मी पापा आपके पति किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हुई है? बोले हाँ जी। मैं कहा तुम लोगों को भूख नहीं लगती ढंग से? बोले हाँ जी। बस यहीं पर वो फ्लैट हो गए सारे। बोलतीम ये बता दो कि आपने ये कैसे बता दिया। अब इसके विज्ञान को आपको मैं समझाता हूं, ये आपके काम की बातें हैं, आपके जीवन में काम आएंगी। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये रहता है कि जो ज्ञान रिसर्च करता हूं मैं आपको डिलीवर कर दूं, यूट्यूब पर डाल दूं। यही मैंने मानविंदर को बोला है कि जितना मेरे पास है उसको लो, जितना तुम्हारे पास है उसको बाहर डाल दो मार्केट के अंदर। अपने पास अगर लेके चले गए उस ज्ञान को, अनुभव को, तो साथ चला जाएगा। अब मैं बताता हूं मैंने क्यों बोला ब्लड प्रेशर। आप भी किसी के घर में जाकर के अगर ऐसा मकान देखोगे तो आप बोलोगे आपके घर में ये प्रॉब्लम है। पहले ऋषि मुनि होते थे, दाढ़ी लंबी होती थी बाबाओं जैसी, और जाकर के घर को देखते थे, बोलते थे इस घर में विधवा रहती होंगी, इस घर में जो कर्जा रहता होगा, ये घर तो बीमारियों वाला है। बोला हाँ। उसका कारण ये था कि घर ये ईस्ट है, ईस्ट पूरा पैक, पूरब की रोशनी सुबह की उस घर में नहीं आती। जब सुबह घर की रोशनी नहीं आएगी तो शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी हो जाएगी, और रोशनी से ये पेड़ पौधे बढ़ते हैं, ये पेड़ पौधे बढ़ते हैं, और रोशनी से ही हमारा डेवलपमेंट होता है। अगर हमें धूप की रोशनी ना मिले, धूप या सूर्य की रोशनी ना मिले, तो हमारे शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं रहती। अभी 2006 में ये मकान लिया, 2006 से लेकर के यहां पर पूरा ईस्ट ये बंद था। इसका मतलब जो बच्चे यहां पर पैदा होंगे, जो पौध की तरह होते हैं, एक गमले की तरह बच्चे होते हैं, उनको खाद पानी एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है, धूप की जरूरत होती है। अगर वहां पर होने वाले बच्चों को ये चीज नहीं मिलेगी तो होगा क्या? मैंने वही रिसर्च की
मैंने कहा आपका बच्चा कोई खराब हुआ, बोला एक बच्चा मृत्यु को प्राप्त हुआ। मैं दूसरा बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, बोला इसको भूख नहीं लगती, मुश्किल से आधी रोटी खाता। अब आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, आपकी बॉडी का इनर सिस्टम, इम्यून सिस्टम इतना वीक हो गया कि आपको भूख नहीं लगती, भूख उस औरत को भी नहीं लगती, भूख उसके पति डॉक्टर है खुद उनको भी नहीं लगती, और भूख उसके बच्चे को भी नहीं लगती, और जो घर में रहते उनको भी भूख नहीं लगती। मैंने कहा अगर आप इसको इधर विंडो खुलवा देता हूं तो इधर शमशान घाट है, यानी वो कब्रिस्तान है, और वहां पर मुर्दे चू चू कर रहे होंगे नीचे। भाई मुर्दे तो करेंगे ना चू चू, कारण ये कि मैंने जब मुर्दों को देखा वहां पर तो चूहों ने बिल कर रखे थे। अब मुर्दों में चूहों ने बिल कर रखे थे, वहां से जो स्मेल आ रही होगी, जो बदबू आ रही होगी, वो इनको यहां पर खींचेगी। यहां मुर्दे गड़े हुए हैं, चूहों ने बिल कर दिया, वहां से उसकी सड़ने की स्मेल आ रही है। यहां मेरा एसी चल रहा है, यहां मेरा पंखा चल रहा है, इधर से वो सक कर रहा है, क्योंकि पृथ्वी पूरब को चलती है और पश्चिम को पॉल्यूशन को फेंकती है। पृथ्वी आगे को चलती है पूरब को, और पॉल्यूशन पीछे को फेंकती है। इसका मतलब ये रहा कि इस घर के अंदर ये बड़ी प्रॉब्लम, जिसकी कारण इनका लीवर, इनकी भूख, उनमें तकलीफ हुई। अब मैंने कहा ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम क्यों हुई? वो बोली मैडम, वो टीचर थी, बोले गुर्दे भी ये बता दो बीपी और हार्ट की प्रॉब्लम क्यों। अब मैं उस कारण को बताता हूं, सुनिए ध्यान के साथ में बैठिए। राखी जी हमारी बीपी और राखी जी भी आ गई, बैठिए, क्योंकि थोड़ी काम की बात चल रही है, नहीं तो आपका भी बीच में सम्मान कराते। राजीव जी बैठ जाइए, राजीव जी बैठिए, बैठिए बैठिए, राजीव जी बैठिए। ये एक लोहे की प्लेट है, लोहे की प्लेट है ये, इसको 45, 40, 47, 48 डिग्री टेम्परेचर पर मैं रोज 8 घंटे गर्म करूं, 8 घंटे 45 से 48 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करूं, फिर 8 से 10 घंटे 16-17 डिग्री टेम्परेचर पर इसको रखूं, और डेली यही करूं, दिन में गर्म करूं रात को ठंडा करूं, दिन में गर्म करूं रात को ठंडा करूं, ये लोहे की इतनी बड़ी रोटी प्लेट कितने दिन में खत्म हो सकती है या एज इट इज रहेगी? कोई विज्ञान का स्टूडेंट है यहां? कोई विज्ञान का स्टूडेंट है साइंस का? कोई बता सकता है कि अगर मैं लोहे को दिन में गर्म करूं रात को ठंडा करूं, दिन में गर्म करूं ठंडा करूं, तो धीरे 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 ये प्लेट 2-3 महीने के अंदर इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि दिन में गर्म होगी रात में ठंडी होगी, और ये धीरे धीरे बिल्कुल पतली सी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। दिस इज द सेम सिस्टम विद आवर बॉडी। मैं 48 डिग्री टेम्परेचर पर एक मकान में दिन भर रहता हूं, और रात को फिर 17-18 डिग्री टेम्परेचर होता है। इसका मतलब यह रहा कि दिन में मेरा एक्सपेंशन हुआ हार्ट का, रात को सुकड़ गया, दिन में एक्सपेंशन हुआ रात को सुकड़ गया, और ऐसे ऐसे मेरा रहा, तो मैं बहुत जल्दी हार्ट का मेरा डैमेज हो जाएगा, और मैं बहुत जल्दी हार्ट अटैक का शिकार हो जाऊंगा। इसलिए साउथ फेस के मकानों के अंदर हार्ट अटैक सबसे ज्यादा आता है, ब्लड प्रेशर की बीमारी सबसे ज्यादा रहती है। अपना देख लेना जाकर देखिए। अब इन चीजों को हम, ये तो एक दिशा की बात की मैंने, वहां पर बोरिंग भी उनका साउथ में था पहले, उन्होंने मेरा प्रोग्राम आस्था टीवी पर देखा, जो मैं बहुत पहले से आस्था टीवी पर चल रहा हूं। आस्था टीवी पर आई एम द फर्स्ट पर्सन हु स्टार्टेड द एस्ट्रोलॉजी टीचिंग ऑनलाइन टीवी के ऊपर, क्योंकि घर घर में ज्योतिष के 12 खाने सिखाने मैंने शुरू किए थे, बोर्ड लेकर बैठता था। वो बेचारी जानती थी इस बात को, उसने कहा गुरुजी 500 रुपए पर डे की हमारी कमाई डॉक्टर साहब की, और जब मैंने आपका प्रोग्राम देखा और आपने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट में बोरिंग करा दो कमाई डबल ट्रिपल हो जाएगी, उन्होंने बोरिंग नॉर्थ ईस्ट में करा दिया, पीछे की तरफ करा दिया,
उधर जिस दिन कराया उसके जस्ट दूसरे दिन से डबल कमाई शुरू हो गई, 1000 रुपए पर डे आना शुरू हो गया। अब बोलते काम की कोई कमी नहीं, स्वास्थ्य से परेशान। अब हमारे पास ऑप्शंस आते हैं दो, एक ऑप्शंस नंबर वन साइंटिफिक, ऑप्शन नंबर टू कमाने का तरीका। एक थैला भरो, लाफिंग बुद्धा लो, बांसुरी लो, फलाना लो, ढिकना लो, उसमें पूरा सामान भरो और जाकर के कस्टमर के पास जाकर के बोलो लगा दो लाफिंग बुद्धा यहां पर, ये ठीक हो जाएगा, लगा दो बांसुरी ठीक हो जाएगा, और शंख बजाओ ठीक हो जाएगा। एक तो है कि आप पैसा भी कमा रहे हैं और साथ में उसको मिसगाइड कर रहे हैं। फेंग शुई वाले, कोई फेंग शुई करता हूं मेरी बात का बुरा मत मानना, जो फेंग शुई के साइंटिस्टों से चाइना वालों से मेरा बहुत बड़ा शास्त्रार्थ पहले टीवी के ऊपर हो चुके हैं। एक है नंबर दो कि हम इसको साइंटिफिक ठीक कर रहे हैं, साइंटिफिक ठीक ये करते हैं। मैं साउथ की जो दीवार है इसकी, उस दीवार को मोटी कर दूं और सिर्फ एक हल्का सा गेट खोल के रखूंगी जिससे दोपहर की जो धूप है वो उस घर में ना घुस पाए। इसलिए बड़े बड़े महल जो होते थे राजाओं के, उन महलों की साउथ की दीवार डबल मोटी होती थी। आज भी गल्फ कंट्री के अंदर मैं वास्तु विजिट पे जाता हूँ, कुवैत है, दुबई है, बहरीन है, तंजानिया वगैरह इधर जाता हूँ जहां गर्मी ज्यादा है, वहां पर क्या होता है, ये साउथ की दीवार है, एक दीवार बनाएंगे फिर दूसरी दीवार बनाएंगे उसके बीच में इंसुलेशन शीट डालते हैं जिससे दक्षिण से आने वाली जो धूप है, गर्मी है, हीट है, वो दीवार गर्म होगी, वो इंसुलेशन शीट और गैप के अंदर जाएगी, वो वहीं पर उसको एब्जॉर्ब करेगी, किल करेगी हीट को, आगे घर में नहीं आने देगी। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वो डायरेक्ट हिट कर जाएगी, और जिसकी साउथ में बड़ी बड़ी ऐसी खिड़की लगी होंगी ना तो उन लोगों को बड़ी दिक्कत आती है। ये तो परफेक्ट रेमेडी है। अब मान लो ईस्ट में टॉयलेट है, जैसे कि ईस्ट में टॉयलेट है, इधर की स्मेल तो इधर आएगी। ये क्यों आएगी? क्योंकि पृथ्वी पूरब को घूमती है, पृथ्वी हमेशा ऐसे चलती है, पृथ्वी इस तरीके से चल रही है ऐसे, तो शुद्ध हवा इधर से आएगी और पॉल्यूशन इधर निकलेगा। ये ऑटोमेटिक है, ये राउंड द क्लॉक चलता है। लेकिन कुछ कंट्री ऐसे होते हैं जिनमें हवा का प्रेशर अलग अलग होता है। अब मान लो ईस्ट में टॉयलेट है, यहां पर मैं लाफिंग बुद्धा लगा दूं, यहां पर बांसुरी लटका दूं, तो क्या ये बदबू को खत्म करेगा? यही मेरी वैज्ञानिकों के साथ बहस थी। मैंने चलो भाई गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी के बोनेट पर मरा हुआ चूहा डालते हैं जिसकी बहुत ज्यादा बदबू होती है और फिर गाड़ी चलाते हैं, तो बदबू कहां पर आएगी? सारे लोगों पर आएगी। अगर वही उठा करके मैं साइलेंसर के पास चूहा बांध दूं तो बदबू हमारे पास नहीं आएगी क्योंकि हम आगे चल रहे हैं। अब मान लो मैंने शीशे बंद करके स्प्रे मार लिया, थोड़ी देर के लिए उस स्प्रे से मेरी सिर्फ नाक को एहसास होगा कि बदबू नहीं आ रही है, लेकिन उसके बाद जैसे ही शीशा खोलोगे फिर बदबू आएगी। अब जैसे मैंने ये टीवी के ऊपर बताया तो टीवी पर एक और आते थे केपी शास्त्री, डीपी शास्त्री, पता नहीं केपी शास्त्री ऐसे कुछ थे त्रिपाठी करके, उन्होंने सुन लिया कि रावत जी तो ये बात कर रहे हैं, ये तो यहां से इन टॉयलेटों को हटवा के इधर करवाएंगे। उन्होंने कहा मैं ना दूसरा कोई उपाय बताता हूं। उन्होंने कहा कि देखो भाई रावत जी तो तोड़फोड़ की बात करते हैं। मैं नहीं कहे तोड़फोड़ की बात तो मैं इसलिए करता हूं, अगर कैंसर का फोड़ा हो गया तो ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा, दवाइयों से तो ठीक हो नहीं सकता। बोले मैं आपको उपाय बताता हूं, अगर आपका ईस्ट में टॉयलेट है तो आप एक शंख लो और जब लैट्रिन जाओ तो उससे पहले शंख बजाओ, शंख की ध्वनि से बदबू हट जाती है। मैंने फिर तो हमारी गली में सबको पता चल जाएगा कि रामदास पोटी पे बैठा है, श्यामदास पोटी पे बैठा है, फलाना पोटी पे क्या होगा कि सबके घर में शंख बजेगा, क्योंकि एक डायरेक्शन तो पूरी खराब होती है। और बेचारे ने माफी मांगी, मैं कह ये क्या तरीका हो,
भाई आप अभी मान लो कोई जायज संघ की बजाय तो पता नहीं चलेगा क्या कर रहा है। तो ऐसे उलझाने वाली बातें हम लोग भी कर देते हैं कि अगर मैंने कुछ बोला तो मेरा विरोधी दूसरा कुछ बोलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि भगवान ने हमारे दिमाग के अंदर हमें ज्ञान दिया है, हमें ये काम करने की एक सोच दी है। तो मित्रों वास्तु जो होता है ना, ये सूर्य की किरण पृथ्वी का मूवमेंट, पृथ्वी जैसे जैसे घूम रही है उसके हिसाब से आपको कितनी चीजें पॉजिटिव होती हैं। तो मैं बता रहा था कि उन्होंने साउथ में बोरिंग कर रखा था, साउथ का बोरिंग ईस्ट में करने से इतना पैसा क्यों आना शुरू हो गया? साइंटिफिक कारण कोई है इसका? इसका साइंटिफिक कारण है। अभी तो 40 हुए राजीव जी, अभी तो है थोड़ा 5-7 मिनट। साउथ में अगर आपकी बोरिंग होगी तो इसका कोई वैज्ञानिक आधार है क्या कि आदमी धन कर्ज बीमारी परेशानी हार्ट की प्रॉब्लम घर में मृत्यु क्यों होती रहती है? ऋषि नारद जी ने तो लिख दिया नारद पुराण के अंदर, क्योंकि नारद पुराण में वास्तु शास्त्र के बहुत सारे पेजेस हैं। उन पेजेस को मैंने खोल के बाबा रामदेव को टीवी पर दिखाया था कि ये वास्तु है। अगर पातंजलि सही है तो नारद जी भी सही है, मैंने कहा था। अगर आप भौतिक विज्ञान के बारे में जानते हैं तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। ये साउथ की दिशा है, साउथ में मैंने बोर किया, ये बोर में पाइप लेके गया लोहे के अंदर तक और ये जल तक चली गई, ये मेरी पाइप जल तक टिक गई है जाकर के, और ये जल तक जाकर के यही पाइप मेरे बाथरूम तक गई है और यही मेरी टंकी के ऊपर तक गई है जहां पर मेरी टंकी रखी हुई है। इसका मतलब ये रहा कि जो अंतरिक्ष के अंदर जो परमाणु होते हैं अग्नि के, वो अग्नि के परमाणु इससे अटैच हो जाएंगे सारे, इससे अटैच होकर के आपके अंदर अग्नि तत्व के परमाणु घुसेंगे नहीं और वो सीधे इस पाइप के थ्रू जल के अंदर इनपुट हो जाएंगे। इसको बोलते हैं अर्थ। क्या बोलते हैं? आपने देखा है कि बिजली के बड़े बड़े तारों के नीचे अर्थ लगा होता है, उसका रहस्य पता होता है, क्योंकि मैं इंजीनियर हूं इसलिए मुझे पता है। वहां पर क्या है, ये अर्थ हो गया। आपकी इतनी बड़ी कोठी है, उस कोठी को अर्थ कर दिया मैंने पानी के साथ, और आपके अंदर जितना अग्नि तत्व है वो सब उस साउथ के अंदर चला जाए। और जब आपके बॉडी को अग्नि तत्व मिलेगा नहीं, हम रात को सो रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर अग्नि के परमाणु मिलेंगे नहीं, हमारी सांस के अंदर जो जल तत्व वायु तत्व अग्नि तत्व इसके परमाणु होंगे, जब हम उनको खींचते हैं, हमारी चंद्र नाड़ी हमारी सूर्य नाड़ी, जब हमारी सूर्य नाड़ी जो है राइट साइड की अगर वही खराब हो जाएगी तो उस घर के अंदर साउथ में रहने से सब कुछ प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। इसको काट के फेंक दो यहां से, साउथ को बंद कर दो, अब आप उसको कर दो ईस्ट की तरफ। अब जितने भी पॉजिटिव परमाणु मॉर्निंग के होंगे वो सारे अर्थ करेंगे, और वो अर्थ करेंगे जल तत्व के साथ, वो काम करेंगे ओस की तरह, जैसे कि मॉर्निंग में घास लगी हो उस पर ओस हो और सूर्य की किरण आकर के उस पर पड़े और वो रिफ्लेक्ट होकर के आपके घर में जाएगी और आपके एनर्जी लेवल को हाई करेगी। इसलिए कभी भी साउथ में टंकी, साउथ में स्विमिंग पूल, साउथ में बोरवेल, साउथ में कोई भी पानी का कनेक्शन अपने घर में मत करना। अगर आपने साउथ में कर लिया तो आपके बच्चा आपका परिवार डिस्टर्ब होगा, आपके परिवार के अंदर आपका वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब होगा, आपको तकलीफों का सामना कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा। विषय तो बहुत लंबा है, अभी कोई एंड नहीं है बोलने का, क्योंकि समय और घड़ी, जो समय का सदुपयोग करता है वही महान है। इसलिए समय का सदुपयोग कर लेना, आगे से जब किसी प्रोग्राम में बैठो तो सुनते सुनते खाना नहीं, और दूसरे की सुनने की आदत जब डाल लोगे ना वो आपके अंदर स्टोर हो जाएगी और वो कभी ना कभी सपनों में जरूर आएगी कि रावत जी ने ना
इस बारे में बोला था और वो सपने भी आपको कहने पे ज्ञान दे जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना। अगली बार जब प्रोग्राम होगा नजीक जी का तो या तो यहीं से आगे बढ़ा दूंगा, क्योंकि मैं वास्तु का कम बोलता हूँ, लोगों को क्रेज रहता है मेरे से ज्योतिष का, कि ज्योतिष बताओ ज्योतिष बताओ। जितनी ज्योतिष पर मेरी गहरी शोध है उतनी ही शोध मेरी कर्म की वास्तु पर भी है। इसलिए कोई भी ये जो महावास्तु वाले होते हैं ना सामने आते नहीं है। मैं उनको बोलता हूँ टीवी पे आओ, ठीक है सबका काम चल रहा है चलने दो, लेकिन अगर आपने अपना घर का वास्तु ठीक कर लिया और आपके ग्रह खराब है तो अभी 50% आपकी प्रोग्रेस हो। घर ठीक है आपका और ग्रह भी खराब है तो ही आपकी लड़ाई पार हो जाएगी। और आपके ग्रह जितने मर्जी उच्च के बैठे हो और आपके घर में वास्तु दोष है तो आपकी उन्नति धीरे 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 डूब जाएगी। क्यों? कि योर बॉडी इज नॉट गेटिंग प्रॉपर एनर्जी। और जब एनर्जी नहीं मिलेगी तो सबसे पहले सोच और मन डिस्टर्ब होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू राजीव जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। बस इसी प्रकार से आगे जब करो इसको मैनेज करके रहिएगा। धन्यवाद। थैंक यू सर, पुनः से शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। मैं मंच पे आमंत्रित हुआ राजा सोनी जी और ललित भाई को, आप मंच पे आए प्लीज, स्वागत के लिए, सम्मान के लिए राहुल सर का प्लीज। स्वाति भाई सर। थैंक यू सर, थैंक यू।